चुकी हैं। बैठक में नव निर्वाचित सांसद होंगे, लोकसभा प्रत्याशी होंगे, जोन इंचार्ज होंगे, साथ में जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। मायावती की ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो इस दौरान लोकसभा चुनाव में मिली सीटों और वोटिंग प्रतिशत की समीक्षा करेंगे। बसपा को लोकसभा चुनाव में 10 सीटें मिली, आपको याद होगा, और उसका कुल वोटिंग प्रतिशत 19.26% रहा। मायावती ने सीटवार ब्यौरा भी मांगा है और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मायावती इस दौरान पदाधिकारियों के साथ गठबंधन के भविष्य की संभावनाओं पर भी बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। गठबंधन के बावजूद भी करारी हार का सामना करना पड़ा बहन जी को, जिसके बाद ये पहली बैठक है मायावती की, और बैठक में हार के कारणों की ही समीक्षा होगी। क्या वजह रही हार के पीछे, आखिर गठबंधन का फॉर्मूला क्यों नहीं चल पाया उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर वो चर्चा करेंगे, और फिर गठबंधन आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, गठबंधन के भविष्य को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। तो ये हार का पोस्टमार्टम आज मायावती कहीं ना कहीं आज करने वाली हैं, क्योंकि पहली ये बैठक है मायावती की हार के बाद। दिल्ली में अपने आवास पर ही बैठक करेंगी, जोनल इंचार्ज जोन के इंचार्ज वहां पर पहुंचेंगे, और इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष है वो भी वहां पर पहुंचेंगे, और साथ ही तमाम बड़े नेता भी होंगे जो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। साथ ही नव निर्वाचित जो सांसद हैं, जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे, जोन इंचार्ज जो भी हैं, और जिलाध्यक्ष जितने भी हैं, उनको वहां पर बुला लिया गया है। तैयारियां तेज हैं, और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि सर्राफ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख में रवि का करूंगी। रवि, सीएम आवास पर ही बैठक हो रही है, रवि के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं लोकसभा चुनाव में हार पर बैठक। सतीश चंद्र मिश्रा महासचिव बसपा के पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर के बाद बैठक भी शुरू हो जाएगी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। तमाम अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। रवि मेरे सहयोगी जुड़े हुए, रवि अपडेट दीजिएगा, सतीश चंद्र मिश्रा तो पहुंच चुके हैं वहां पर। जी बिल्कुल दीपा, देखिए सतीश चंद्र मिश्रा पहुंच चुके हैं, इससे पहले तमाम जो बसपा के सांसद है वो पहुंच चुके हैं, और जो जो चुनाव लड़े हैं सांसद वो भी बसपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें सीधा दिखाते हैं, ये बसपा का कार्यालय है, चार गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो तमाम जो नेता पहुंचे हुए हैं वो अपने बाजी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक एक करके नाम पुकारा जा रहा है, उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो अंदर जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है जमा कराया जा रहा है, किसी को इजाज़त नहीं है कि कार्यालय के अंदर मोबाइल फ़ोन लेकर जाए, तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन जमा कराना है, उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करना है। और तमाम नेता जो है कहीं ना कहीं अंदर पहुंच गए हैं, अब से थोड़ी देर बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी यहां पहुंच जाएंगी, और समीक्षा बैठक ही कहा जा सकता है 2019 लोकसभा चुनाव के बाद करनी शुरू कर दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। कल की परसों की बात करें तो झारखंड बिहार तमाम राज्यों के प्रभारियों को बुलाया गया था, वहां के विधायक को बुलाया गया था, नेताओं को बुलाया गया था, और समीक्षा बैठक की गई थी हार के बारे में। उसके बाद आपने देखा था कि प्रभारियों को हटाया भी गया था, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन के बाद की जो तस्वीर निकल कर आई, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी, और भविष्य में होने वाले गठबंधन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में गठबंधन बरकरार रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं मंथन होगा। तमाम नेताओं से भी बसपा सुप्रीमो मायावती ये जानेगी कि सपा के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने कितना उनका सहयोग दिया चुनाव में, क्योंकि गठबंधन था, तो ऐसे में पहले भी एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं मायावती, प्रभारियों को हटा दिया, और एक बार फिर से हार के कारणों पर मंथन, और गठबंधन के भविष्य को लेकर भी हो सकता है आज फैसला कुछ करें मायावती, कुछ चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, नजर आप बनाए रखेगा। तमाम जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो बसपा के नेता हैं, जो लोकसभा प्रत्याशी रहे, उन सभी को यहाँ पर बुला लिया गया है। नव निर्वाचित जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, मोबाइल फोन्स सबके बाहर ही जमा हो रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक मायावती की। अब सीएम आवास आपको लेकर चलते हैं, सीएम योगी हरी झंडी दिखा रहे हैं बाइकिंग क्वीन टीम को, देखिये